अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 21 फरवरी 2019 है और आप लोग देख रहे हो एवरीथिंग इजी चैनल पर आज की सऊदी अरब की अहम खबरें और हालात। तो बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ। मक्का मुकरमा पुलिस ने एशिया से ताल्लुक रखने वाले बेगैरत बेजात 39 अफराद को गिरफ्तार कर दिया, जो कि लोगों को आईमो टेलीफोनों के जरिए से कॉल करते थे और उससे उसका एटीएम, उसके बैंक अकाउंट और उसका कामे का मालूमात लेते थे और उसको ये बताते थे कि हम आपके अकाउंट अपडेट करते हैं। मक्का शुरता के मुताबिक तमाम ग्रुप को मक्का मुकरमा के एक मुहाफिजे से गिरफ्तार कर दिया कि जो कि टोटल 39 अफराद है और इन अफराद का ताल्लुक अल्लाह सऊदी हुकूमत का भला करे एशिया से है। लेकिन जैसा आप तमाम दोस्त जानते हो, जिन लोगों को उसने कॉल की है आप लोगों को पता है उसका ताल्लुक किस मुल्क से है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, इन लोगों की वजह से मुल्क का नाम बदनाम होता है, फिर जाके उसका वजीर आजम उधर मिन्नत समाजत करता है उसकी, सबरहान को कि जेल में जो लोग पड़े हैं बेगुनाह है या छोटे मोटे जराम में उसको छोड़ दिया जाए। तो जिन दोस्तों के साथ भी इन लोगों ने फोन पे बात की या मोह पे बात की, उसको गाली निकाली है या कोई किस्म का नुकसान दिया है, इससे पैसे बटोरे हैं, तो आप लोग मक्का शुरता में जा सकते हो। सऊदी मजलिस शूरा ने वजारत अमल को तलब किया है कि जितने छोटे मुसस्से हैं, मुतवसत मुसस्से हैं, जिसमें वापिदीन काम कर रहे हैं और उसके महनों पर सऊदाइजेशन नहीं हो रहा है या आइंदा कुछ आयाम में या सालों में वजारत अमल का इरादा नहीं है उस महनों पर सऊदाइजेशन का, जिसमें मेसन बना दहान वगैरह आते हैं, ऐसे तमाम छोटे मुसस्सों और कपीलों को वापिदीन टैक्स और पुतूरा मुजम्मा, जो कि 2018 में उन लोगों से वापिदीन टैक्स लिया गया था, उसको दोबारा वापस कर दिया जाए और इसके साथ साथ बाकी तमाम टैक्स इन लोगों को तमाम उम्र के लिए माफ कर दिया जाए। मोहम्मद बिन सलमान जो कि आजकल इंडिया के दौरे पर है, जिसके साथ सऊदी की बाकी वजरा और बिजनेसमैन भी गए हुए हैं, इस वलील अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में इंडिया के साथ टोटल 11 मुआहदे हुए, जिसमें 4 इंडियन कंपनियों को तराखीज भी दे दी गई, यानी इन कंपनियों को रुख से दे दी गई है या आने वाले दिनों में इसको इशू कर दिया जाएगा, इनको सऊदी अरब में 4 कंपनियां खोलने की इजाजत दे दी गई। इसके साथ साथ सऊदी हयात इत्तेसालात और तकनिया मालूमात की सरबराह ने इंडिया की टेली कम्युनिकेशन की सरबराह के साथ कुछ मुआहदों की याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। मक्का मुकरमा के एक अस्पताल के बारे में वीडियो बनाने वाला सऊदी मवातन मक्का शुरते ने गिरफ्तार कर दिया। इस सऊदी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बता रहा था कि इस अस्पताल का मैनेजमेंट ऐसा है, सफाई नहीं कर रहा है और बाकी उसने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे और बाद में उसने वीडियो अपलोड की थी जो कि वायरल हुई थी, जिसके बाद वजारत सेहत की हुक्म पर मक्का शुरता ने उस आदमी को गिरफ्तार कर दिया। सऊदी वजारत नकल मिस्र के लिए एक नया बहरी जहाजों का सिलसिला शुरू कर रहा है, जिसमें जाने वाले मुसाफरीन और मुख्तलिफ किस्म के सामान सिर्फ आधा घंटे में सऊदी से मिस्र और मिस्र से सऊदी पहुंचाए जाएंगे। सऊदी वजीरुल अमल अहमद अल राजी ने कसीम में सीम के गुरपति जारिया और इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के साथ सऊदाइजेशन पर इत्तेफाक किया, जिसमें ये तमाम इदारे अपने यहाँ सऊदाइजेशन में वजारत अमल की मदद करेगा। इसके साथ साथ वजारत अमल ने रियाज के मुख्तलिफ मनातिक में सऊदाइजेशन की मुखालिफत में 8 मंशात को मुखालिफे दे दिए। तो ये थे दोस्तों आज की सऊदी अरब की अहम खबरें और हालात। मजीद ऐसे नए नए अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।